पुतिन के खिलाफ बगावत नाकाम होने के बाद यूक्रेन युद्ध में नया ट्विस्ट आ गया है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह को कुचलने के बाद पुतिन को नेटो के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की बगावत फेल हो जाने के बाद पुतिन और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ज़ेलेंस्की जहां नेटो देशों से रूस पर और ज्यादा दबाव और प्रतिबंध बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से मिल रही मदद के विरोध में नेटो देशों में ही फूट पड़ती दिख रही है। पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप की बगावत नाकाम हुई तो नेटो देशों में खलबली मच गई। नेटो में फूट पड़ने की आहट सुनाई पड़ने लगी। ज़ेलेंस्की की मुश्किलें तो बढ़ी ही, बाइडेन के लिए भी परेशानी का सबब तैयार हो गया। पुतिन के खिलाफ वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने बगावत की तो रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि इसके पीछे अमेरिका की सरकार और खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। साथ ही यह भी माना गया कि पुतिन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़काने के पीछे नेटो के देश भी शामिल थे। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक एक खुलासा यह भी किया गया है कि पुतिन के खिलाफ बगावत के लिए प्रिगोजिन और अमेरिका के बीच सीक्रेट डील हुई थी। प्रिगोजिन ने अचानक मोर्चा नहीं खोला बल्कि उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। यह भी कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद अमेरिका वैगनर पर नरम है और उसे अमेरिका की ओर से बड़ी राहत दी गई है। पुतिन के खिलाफ बगावत नाकाम होने के बाद उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। अब प्रिगोजिन के विद्रोह के समय को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया को शीर्ष अमेरिकी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेरिका को इस पूरे विद्रोह की पहले से ही जानकारी थी। पुतिन के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत नाकाम होने के बाद नेटो देशों में एक बार फिर पुतिन का खौफ शुरू हो गया है। कई देशों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन का मददगार जर्मनी F-16 को लेकर अपने बयान से पलट गया है। जर्मनी ने यूक्रेन को F-16 देने से इनकार कर दिया है। यूरोप के कई अन्य देशों में यूक्रेन को बेहिसाब ग्रांट्स पर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन के बगावत नाकाम होने के बाद यूरोप के कुछ देशों में तो यूक्रेन के खिलाफ माहौल बनना भी शुरू हो गया है। युद्ध को रोकने की मांगें उठने लगी हैं। नीदरलैंड्स में लोग यूक्रेन को मदद बंद करने की मांग भी करने लगे हैं। यह गुस्सा पुतिन को तबाह करने के नाम पर लिए जाने वाले गलत फैसलों के खिलाफ है। यूरोप के देशों में प्रदर्शन नेटो देशों पर बढ़ते खतरे के खिलाफ है। उधर अमेरिका में भी विपक्ष लगातार यूक्रेन को ग्रांट पर सवाल उठा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के ऑपरेशन की निगरानी के लिए ग्लोबल हॉक ड्रोन तैनात किया है। हालांकि ग्लोबल हॉक तैनात करने का मकसद रूसी सेना को मॉनिटर करना भी है। प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन ने एक बार कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की सेनाएं अपनी दिमागी ताकत और खून के कतरों से जर्मनी की अगुवाई वाली सेना को हरा दें। 80 साल बाद स्टालिन के उस फॉर्मूले को थोड़ा सा संशोधित करके नेटो देशों ने पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन युद्ध में अभी तक नेटो को कामयाबी नहीं मिल पाई है। यूक्रेन की सेना में हजारों सैनिकों को खुद नेटो ने प्रशिक्षित किया है। यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।
ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 8 जून को काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान किया था, लेकिन पुतिन ने काउंटर ऑफेंसिव को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए। पुतिन के बढ़ते हमलों के बाद अमेरिका और नेटो देशों ने आनन फानन में रूस के खिलाफ नई रणनीति शुरू कर दी है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक अमेरिका ने ब्लैक सी के ऊपर 4 RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन तैनात किए हैं। ग्लोबल हॉक्स अमेरिका के सबसे शक्तिशाली टोही उपकरणों में से एक हैं। ग्लोबल हॉक्स 60,000 फीट की ऊंचाई पर घंटों उड़ान भरने में सक्षम हैं। हालांकि ये पूरी तरह साफ नहीं है कि यूक्रेन अमेरिकी ग्लोबल हॉक्स द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी का उपयोग कैसे कर रहा है, लेकिन ये तय है कि नेटो और यूक्रेन पुतिन के अगले कदम से घबराए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के खिलाफ जब से वैगनर की बगावत नाकाम हुई है, ज़ेलेंस्की भी हालात की गंभीरता को समझ चुके हैं। पुतिन के खिलाफ बगावत नाकाम होने के बाद ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से बात की। ज़ेलेंस्की ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और पोलैंड के प्रेसिडेंट से भी बात की है। ज़ेलेंस्की अब पुतिन पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की अपील कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से रूस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग की है, लेकिन नेटो देशों में बढ़ते आक्रोश के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि नेटो देश ज़ेलेंस्की की अपील पर कितना गौर करेंगे। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।